झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिम्स पहुंचे। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा कई अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने विभिन्न विभागों में स्थापित नए उपकरणों का लोकार्पण किया। इसमें कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग में अधिष्ठापित दो कैथ लैब, दो 4D को कार्डियोग्राफी, एक 128 स्लाइस सीटी स्कैन, 3 अल्ट्रासाउंड मशीनों का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रिम्स में नवनिर्मित एकेडमिक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिम्स में एडमिट मरीजों से मुलाकात भी की। डॉक्टर सृष्टि श्री है, मेरी पोस्टिंग दुमका करमडी में हुई है। एक्चुअली मैंने 1 ईयर तो किया हुआ है, मैंने 1 ईयर जॉब किया था जीआर मेडिसिन में, फुलोजानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका में। तो वहाँ की सैलरी तो थोड़ी कम थी, बट अब ये ज़्यादा है। तो इससे जो भी समाज में और भी होगी, मेरे पर्सनल जो भी हैं उसके अलावा, जैसे कि सर ने वहाँ पे बताया था स्टेज में कि आप जो भी चीज़ें, जैसे अगर वहाँ पे फैसिलिटीज़, अगर मेडिसिन फैसिलिटीज़ नहीं आ पाती हैं, तो उन्हें मैं वहाँ पे जो भी मेरे लेवल पे संभव होगी वो सब मैं वहाँ पे लाने की कोशिश। कैसे जो पोस्टिंग हुई है उसके लेवल पे कैसे छोटे छोटे जगहों पे कैसे धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज होंगी, और कैसे ये ऊंचे लेवल पे हर, मतलब जो भी छोटे स्टेप से ही ऊपर जाके धीरे धीरे कुछ बड़ा हम कर पाएंगे, झारखंड को एक अलग लेवल पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे धीरे धीरे करके, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज होगी उसके वजह से। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।